अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं इमली की मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो ये है। हैंडफुल मैंने यहाँ पर पुदीना लिया था, 1 कप मैंने पल्प लिया इमली का, मैंने इसको भिगो दिया था 15 से 20 मिनट, और उसके बाद इसको मैंने इसका पल्प निकाल लिया। बीज सारे मैंने इसके निकाल दिए हैं, और इसमें जाएंगे जो मसाले वो ये हैं, 4 रेड चिली, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर जीरा सफ़ेद, पिंच ऑफ मैंने लिया अजवाइन, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, सादा नमक जो होता है नॉर्मल, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर काला नमक, और 1 इंच टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है अदरक का। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको अपने ब्लेंडर में भी नॉर्मल जो होता है उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, चटनी हमारी मजेदार से बनके तैयार हो गई। ये देखिए हम इसको इसमें निकाल लेते हैं, बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार बनती है ये चटनी। ये देखें चटनी हमारी बनके तैयार है, इतने मजेदार बनी है ये चटनी। मज़ेदार सी इमली की चटनी बनके हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।